Hello everyone, if you are new to the channel, then you must like, share, and subscribe my channel for the latest videos of Geography Class 12. So, this is the second part of this chapter which covers Seaports, Gateway of International Trade, and Airports topics. So, this is the uh, next heading of this chapter which is most important that is Seaports as Gateways of International Trade. सो so, अब हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमने पढ़ा कि एयरवेज और वाटरवेज के थ्रू होता है तो इंडिया में एयरवेज वाटरवेज ट्रांसपोर्ट को हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं बट जो पॉइंट्स नोडल पॉइंट्स जहाँ से ट्रेड uh, होती है दैट इज़ वाटरवेज से होगी तो पोर्ट्स के थ्रू होगी जिन्हें हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं और एयरवेज से होगी तो एयरपोर्ट्स के थ्रू होगी सो so, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है बिकॉज इंडिया की जो ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन इस टेप में दिया गया है हालांकि हम वो प्रीवियस क्लासेस से आ, पढ़ते भी आ रहे हैं तो उन पर ही इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय सी फ्रॉम थ्री साइड्स एंड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन हमें पता है जो इंडिया का सदन पार्ट है लाइक दिस यहाँ पर अरेबियन सी है दिस वन इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज इंडियन ओशियन सो थ्री साइड से हमारा इंडिया सी से घिरा हुआ है और इतनी बड़ी हमारे इंडिया की कॉस्ट लाइन है जिसकी वजह से इंडियन ओशन का इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा था सो वाटर प्रोवाइड्स वेरी चीप ट्रांसपोर्ट ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है इंडिया हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सी फेरिंग और समुद्र के रास्ते से व्यापार करने का जो ये एक यू नो प्रोसेस है इंडिया में एंशियट टाइम से चला आ रहा है इनफैक्ट वास्को डिगामा ने जो इंडिया की खोज की थी वो भी समुद्र के रास्ते से ही आकर की थी सो इंडिया डेवलप्ड मैनी पोर्ट्स विद प्लेस नेम पट्टन मीनिंग पोर्ट सो so इंडिया ने बहुत से ऐसे पोर्ट्स को डेवलप किया है जिससे वो अपनी वाटर वेज के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को करेड आउट कर सके और जो ये पोर्ट है जिसको हम पट्टन के नाम से जानते हैं इसका मतलब होता है दैट इज पोर्ट सो इंडिया के पास वेस्ट कोस्ट पर ज़्यादा पोर्ट्स हैं ईस्ट कोस्ट के कंपैरिज़न में यानी कि जो हमारा ये वेस्टर्न पार्ट है जिधर महाराष्ट्र कर्नाटक uh, केरल ये uh, गुजरात जैसी स्टेट्स हैं यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पर इंडिया के ज़्यादा पोर्ट्स uh, हैं ईस्ट कोस्ट के कंपैरिज़न में लेकिन जो ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के वो दोनों ही कोस्ट पर सिक्स सिक्स हैं वेस्ट कोस्ट पर सिक्स हैं और ईस्ट uh, कोस्ट पर भी सिक्स हैं आफ्टर द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ कंट्री बाय ब्रिटिश सी पोर्ट्स बिकम गेट वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन पुटअप की जा सकती है इस चैप्टर से सो so जब यूरोपियन ट्रेडर्स यूरोप के व्यापारी और ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर यू नो कंट्रोल कर लिया था वो इंडिया आए थे सो so जो ये सी पोर्ट्स थे इनको इंटरनेशनल ट्रेड का एक तरह से दरवाजा बना दिया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत से होता था वो सिर्फ इन्हीं के थ्रू होता था इट कॉज वेरिएशन इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ पोर्ट्स और इसी की वजह से कुछ पोर्ट ज्यादा डेवलप हुए ज्यादा वहां पर ट्रैफिक है कार्गो का और कुछ पोर्ट्स नॉर्मल अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को हैंडल करते हैं एट प्रेजेंट इंडिया हैज ट्वेल्व मेजर एंड टू हंड्रेड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में जिनका डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में है इसके अलावा टू हंड्रेड के आसपास माइनर छोटे छोटे पोर्ट्स हैं सिटीज़ में डेवलप किए गए हैं कॉस्ट पर और बहुत सारे इनके बीच में इंटरमीडिएट पोर्ट्स को बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज मेजर पोर्ट्स वाइल स्टेट गवर्नमेंट मैनेज माइनर पोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मेजर पोर्ट्स हैं ट्वेल्व इंडिया के उनको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है और बाकी जितने माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने पोर्ट्स को मैनेज करती हैं मेजर पोर्ट्स हैंडल लार्ज शेयर ऑफ़ कार्गो ट्रैफिक और जो हमारे बड़े पोर्ट्स हैं ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो कार्गो ट्रैफिक है दैट इज़ जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ का इंडिया से होता है उनको हैंडल करते हैं ब्रिटिशर्स यूज पोर्ट्स फॉर द एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्स फ्राम देयर हिंटर लैंड देर इज अ वर्ड दैट इज हिंटर लैंड जिसका मीन्स होता है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल कोई एक पोर्ट है जैसे मुंबई uh, पोर्ट है तो मुंबई पोर्ट पर किन स्टेट से कमोडिटीज़ को लेकर आया जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट करने के लिए सो so, जिन स्टेट से uh, उस यू नो कमोडिटी को लेकर आया जाएगा उन स्टेट्स को हम मुंबई पोर्ट का हिंटरलैंड कहेंगे जिसका मीन्स होता है कि ये उसका क्षेत्र है जहाँ से उस चीज़ों को एक्सपोर्ट uh, किया जाता है सो so, ब्रिटिशर्स ने इन पोर्ट्स को यू you नो know, uh, एक्सप्लाइटेशन करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ किया था उनके इंटर यानी कि जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ से लेकर उनको पोर्ट्स आया जाता था और पोर्ट्स से देन वो उनको अपने ब्रिटेन में भेजा करते थे डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज लिंक्स लोकल मार्केट्स टू तो रीजनल टू तो नेशनल एंड टू तो इंटरनेशनल मार्केट्स। और जब उसके बाद रेलवेज ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डेवलप किया तो लोकल मार्केट से रीजनल मार्केट में देन नेशनल देन इंटरनेशनल मार्केट तक उन्होंने इस लिंक को डेवलप किया दिस वॉज कंटिन्यू टिल नाइनटीन फोटी सेवन और जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तब तक उन्होंने इसी तरीके से इंडिया के रिसोर्स को पोर्ट्स के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सप्लाइट किया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्नैच टू वेरी इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स और जब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ 1947 फोटी सेवन में इंटू पाकिस्तान सो दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो इंडिया के थे जिससे बहुत ज़्यादा यू नो इंडिया को फ़ायदा होता था बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर आ, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था वो इंडिया के हाथ से चले गए सबसे पहला कराची पोर्ट जो कि अब पाकिस्तान में जा चुका है वेस्ट कोस्ट पर कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और चिट्टागोंग पोर्ट ये हमारा ईस्ट कोस्ट पर बांग्लादेश का पार्ट बना 1971 में सो ये दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो इंडिया के हाथ से इंडिपेंडेंस के बाद चले गए नाव अब जो ये ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पर एक एक पोर्ट का इंडिया को लॉस हुआ इस लॉस की भरपाई करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने आ, उन्हीं के नियर बाई एरियाज़ में जो इंडिया के हिस्से में यू नो you know, एरिया आया उसमें उसने पोर्ट्स को डेवलप किया गुजरात में उसने कांदला पोर्ट को डेवलप किया वेस्ट में गुजरात में और डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में उन्होंने ईस्ट में इस पोर्ट को डेवलप किया इंडिया ने सो दैट उन दोनों पोर्ट्स का जो लॉस है वो इंडिया उसकी भरपाई कर सके डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल कंटिन्यूड और अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स का डेवलपमेंट जारी है सम पोर्ट्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ पोर्ट्स का जैसे मुंबई कोलकाता चेन्नई विशाखापट्टनम इन जैसे पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है इनिशियली दिस वर्क वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट नाउ प्राइवेट एंटरप्रेन हैव बीन इन्वाइटेड फॉर दिस पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही सारा मैनेजमेंट देखती थी कंस्ट्रक्शन से लेकर मेंटेनेंस तक का लेकिन अब प्राइवेट इंटरप्रनस भी इस फील्ड में यू नो इंटरेस्ट ले रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स हैव ऑल्सो गॉट इंक्रीज और अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सब गुड्स जो इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है पोर्ट्स के थ्रू वो भी इंक्रीज़ हो uh, क्योंकि नॉर्मली हमारा इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है हम चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगाते हैं तो अमाउंट ऑफ गुड्स जो बाहर से इंडिया में आता है उसको हैंडल करने के लिए भी हमें उतने बड़े बड़े पोर्ट्स चाहिए होंगे सो पोर्ट्स की कैपेसिटी भी इंडिया में इंक्रीज़ हो रही है एज यू कैन सी इन दिस मैप ये हमारा इस चैप्टर का मैप स्किल भी है कि हमें पोर्ट्स को यू नो मैप पर मार्क करना है इन ट्वेल्व पोर्ट्स को इंडिया के जो ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं नाउ इनका डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया है जिसमें सिर्फ हमें ये याद रखना होगा कि इन पोर्ट्स मतलब कि ये पोर्ट्स किस स्टेट में कहाँ पर लोकेटेड हैं सेकंड पॉइंट इनके हिंटरलैंड क्या हैं कौन से स्टेट से कमोडिटीज़ इन पर यू नो लेकर आई जाती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये uh, कितने ज़्यादा अमाउंट में कौन सा ज़्यादा बड़ा पोर्ट है कौन सा छोटा पोर्ट है ये इसमें बताया गया है सो एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू हमारे सिक्स पोर्ट्स वेस्ट कोस्ट पर हैं एंड सिक्स पोर्ट ईस्ट कोस्ट पर हैं तो हम वेस्ट कोस्ट के सबसे ऊपर गुजरात में जो हमारा पोर्ट है वहाँ से एक सीरीज में शुरुआत करते हैं और ये सीरीज़ में इफ हम इनको याद करेंगे तो हमें याद करना मैप में मार्क मार करना बहुत ईजी हो जाएगा और इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत ईजिली हम यू नो लर्न कर सकते हैं समझ सकते हैं तो सबसे पहला आता है कांदला पोर्ट जो कि हमारा गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर लोकेटेड है गुजरात का जो हमारा इस तरीके से करके ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे ये कांधला पोर्ट लोकेट किया गया है इट्स हिंटरलैंड्स आर दी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान इन एरियाज से जो भी कमोडिटीज़ हैं वो यहाँ पर लेकर आई जाती हैं इट इज़ डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट बिकॉज इसके जस्ट नेक्स्ट जो पोर्ट आता है वो है मुंबई पोर्ट और वो बहुत बड़ा पोर्ट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मान कार्गो ट्रैफिक यू you नो know, वो हैंडल करता है तो उसके प्रेशर को कम करने के लिए और कराची पोर्ट जो इंडिया ने लॉस कर दिया था पार्टीशन के टाइम पर उस यू नो लॉस की भरपाई करने के लिए इस पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया इट इज़ स्पेशजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स और इस पोर्ट को स्पेशली इस तरीके से बनाया गया कि जो पेट्रोलियम और फर्टिलाइज़र्स जैसे कमोडिटीज़ हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ईजिली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके वन माइनर पोर्ट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड एट वदीनाथ टू रिड्यूस प्रेशर ऑन कांधला पोर्ट और कांधला पोर्ट भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्ट हो चुका है बहुत अमाउंट में यहाँ पर बिकॉज पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का जितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इसी पोर्ट से होता है तो इसके प्रेशर को भी कम करने के लिए एक छोटा सा पोर्ट गुजरात के वडीनार में इसी के जस्ट नेक्स्ट जो है डेवलप किया गया द सेकेंड पोर्ट इज मुंबई पोर्ट और ये एक सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का इट इज अ नेचुरल हार्बर यानी कि ये एक प्राकृतिक रूप से ये एक एरिया इस तरीके से यू uh, नो you know, बना हुआ है कि उसको हम एज़ अ पोर्ट यूज़ कर सकते हैं सो so, उसे हम हार्बर बोलते हैं बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ ट्वेंटी किलोमीटर लॉन्ग एंड सिक्स टू टेन किलोमीटर वाइड ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जो कि ट्वेंटी किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी चौड़ाई छः से दस किलोमीटर की है इट्स हिंडरलैंड्स आर एम पी महाराष्ट्र गुजरात यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान From all over the world, this part has link with major share of India's overseas trade. और क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ भी अपनी ट्रेड करती हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्ट के लिए उन्हें कहीं रुकना होता है तो वो इंडिया के मुंबई पोर्ट पर ही आकर रुकती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अरेबियन पेनशलर से जितने भी सीज चलते हैं शिप्स चलते हैं वो ईफ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो वो मुंबई पोर्ट पर रेस्ट के लिए भी रुकते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नाहवा सेवा वॉज डेवलप टू रिड्यूस प्रेशर एट मुंबई पोर्ट और मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए एक तो कांधला पोर्ट को डेवलप किया गया गुजरात में और जस्ट नेक्स्ट टू मुंबई पोर्ट के ही ठीक सामने एक जवाहरलाल नेहरू के नेम पर एक पोर्ट बनाया गया नाहवा सेवा भी जिसे कहा जाता है एरिया में ये लोकेटेड है और इसको मुंबई पोर्ट पर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया सबसे ज़्यादा बड़े बड़े कंटेनर्स इसी पोर्ट पर इंडिया में यू you नो know, आते हैं नाव अब हम इंडिया में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट थर्ड पोर्ट हमारा गोवा में पड़ता है दैट इज़ मरमगाओ पोर्ट जो कि हमारी जुआरी एस्टूरी पर लोकेटेड है ये भी एक नेचुरल हार्बर है प्राकृतिक रूप से वो एरिया इस तरीके से बना है कि हम उसको एज अ पोर्ट यूज़ कर सकते हैं शिप्स वहाँ पर रोकी जा सकती हैं इट इज़ रिमोडल्ड इन 1961 सिक्सटी वन टू हैंडल आयरन और डिपॉजिट्स टू जापैन जापैन में आयरन और डिपॉजिट्स लोहे को जो हम बाहर भेजते हैं जापान में उस को हैंडल करने के लिए क्योंकि आयरन और बहुत ही हैवी बल्कि कमोडिटी है सो नाइनटीन सिक्सटी में इसको दोबारा से यू नो रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था इट्स हिंटरलैंड आर कर्नाटक गोवा एंड साउथ महाराष्ट्र सो so, इसी के आसपास के जो स्टेट्स हैं और एरियाज हैं वो इस पोर्ट uh, के हिंटरलैंड हैं डेवलपमेंट ऑफ़ कौनकन रेलवे कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस पोर्ट और ये क्योंकि कौनकन रेलवे के ही एरिया में साहिद्री रीजन में एरिया पड़ता है और uh, जब कौनकन रेलवे का डेवलपमेंट हुआ तो मरमागा पोर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ नाव अब हम नीचे साउथ में चलते हैं तो कर्नाटक में हमारा फोर्थ पोर्ट पड़ता है इंडिया का दैट इज़ न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक केरल के बॉर्डर पर है इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक कर्नाटक इज़ द मेजर हिंटर लैंड ऑफ दिस पोर्ट और कर्नाटक के ही कमोडिटीज़ को इस पोर्ट से भेजा जाता है फर्टिलाइजर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयरन और वुड पल्प एक्सेट्रा ये सब इसी पोर्ट से यू नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इस बुक में जो सिक्स चैप्टर है सेवन चैप्टर दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जब उसमें मिनरल्स का डिस्क्रिप्शन दे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता आया जाएगा कि इनको किस पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहां भी ये पोर्ट्स का नेम आएगा तो इस तरीके से चैप्टर्स में लिंक इफ हम जोग्रफी के क्रिएट करेंगे तो हमें चैप्टर्स बहुत इजीली समझ में आएंगे और इंडियन जोग्रफी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा नाउ द सिक्स एंड लास्ट पोर्ट ऑन दी वेस्ट कोस्ट इस कोची या कोचीन पोर्ट जो हमारे केरल में है ये वामबंड कयाल जो केरल में है वहाँ पर ये लोकेटेड है इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है तो ये पोर्ट में जो एक दो वर्ड ऐसे दिए गए हैं जैसे जो मुंबई पोर्ट है ये नेचुरल हार्बर है इस तरीके से ये कोची पोर्ट क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोली जाती है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ये भी एक नेचुरल हार्बर है इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ क्लोज टू स्यूज कोलम्बो रूट तो जो हमारा स्यूज़ कैनाल और श्रीलंका के कोलम्बो का जो ये रूट यू नो ये अरेबियन पेनशुला है देन ये इंडिया का कॉस्ट है और ये श्रीलंका तो श्यूज़ कैनल यहाँ पर लोकेटेड है और कोलंबो तक का जो ये पूरा सी रूट है इस पर ये जो केरल केरल में कोचीन पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके हिंटरलैंड्स हैं केरल साउथ कर्नाटक एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु इफ़ हम नीचे से ही ऊपर की तरफ इंडिया में कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमारा तोती कोरन पोर्ट आएगा लेकिन आ, बुक में डिस्क्रिप्शन पहले ऊपर से ही दिया गया है तो अब हम ईस्ट कोस्ट के जो सिक्स मेजर पोर्ट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं सबसे ऊपर आता है वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट ये हमारा हुगली रिवर पर है 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ये बेसिकली हमारा बिल्कुल समुद्र के किनारे लोकेटेड नहीं है बिकॉज़ कोलकाता जो सिटी uh, है उसके अंदर ये पोर्ट है तो आप वेस्ट बंगाल में इस तरीके से देखते हैं ये वेस्ट बंगाल है तो ये जो एरिया है ये यू uh, नो you know, यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर कोलकाता है तो वन ट्वेंटी एट किलोमीटर ये हमारा बे ऑफ बंगाल से हमें रिवर uh, पर अंदर की तरफ चलना पड़ता है तब हमारा ये कोलकाता पोर्ट आता है ये ब्रिटिश ने डेवलप किया था लेकिन आ, साल दर साल ये अपनी एडवांटेज जो है इसकी वो लॉस करता जा रहा है बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू अदर पोर्ट्स क्योंकि जो इस पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले किया जाता था वो अब दूसरे पोर्ट्स से ज़्यादा किया जाने लगा है कोलकाता पोर्ट फेसिस प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमलेशन इन हुगली रिवर बिकॉज हमने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता सिटी है वहाँ पर ये लोकेट है और 128 ट्वेंटी एट किलोमीटर हुगली रिवर पर चल कर शिप्स को वहाँ पर पहुँचना पड़ता है सो हुगली रिवर में क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्ट रेत बहुत ज़्यादा यू you नो know, इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से शिप्स बोट्स उस पर नहीं चल पाती हैं सो इसलिए कोलकाता पोर्ट से जो यू you नो know, उसकी एडवांटेज है वो लॉस कर रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे पोर्ट से ज़्यादा किया जाने लगा है इसके हिंटरलैंड्स होंगे यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इसके अलावा सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो कोलकाता पोर्ट के हिंटरलैंड्स हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज टू नेबर्स ऑफ इंडिया सच एज़ नेपाल भूटान विच वर लैंड लॉक्ड एज वी नो नेपाल भूटान जैसे जो कंट्रीज हैं वो चारों तरफ से यू नो लैंड से ही घिरे uh, हुए हैं उनमें समुद्र से उनका कनेक्शन नहीं है तो वो जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इंडिया के ही कोलकाता पोर्ट से अपना करते हैं नेक्स्ट पोर्ट हमारा ईस्ट कोस्ट पर कोलकाता पोर्ट के ही जस्ट यू नो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में डेवलप किया गया दैट इज़ हल्दिया पोर्ट ये 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता पोर्ट कोलकाता पोर्ट से 105 किलोमीटर नीचे के इलाके पर ये यू नो डेवलप किया गया है हल्दिया एरिया में इट वाज डेवलप टू रिड्यूस द प्रेशर एट कोलकाता पोर्ट और प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए इसको डेवलप किया गया है लेकिन अब कोलकाता पोर्ट ही अपनी एडवांटेज लॉस कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो हल्दिया पोर्ट से ही होता है इट हैंडल्स बल्क कार्गो लाइक आयरन और पेट्रोलियम फर्टिलाइजर्स जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स कॉटन यान एट्सट्रा बिकॉज वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का जो एरिया है ये जूट यू नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कॉमोडिटी है दैट इज जूट पटसन जिसे हिंदी में कहते हैं तो इन सारे प्रोडक्ट्स को ये पोर्ट हैंडल करता है अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो थर्ड ईस्ट कोस्ट पर जो हमारा पोर्ट पड़ता है वो ओडिशा में पारा पोर्ट है जो कि महानदी रिवर के डेल्टा पर सिचुएटेड है ये डीपेस्ट हार्बर सिचुएट सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स ये बहुत ज़्यादा यू you नो know, गहरा यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है जिस वजह से जो बड़े बड़े वेसल्स हैं वो यहाँ पर ईज़िली हम लोग कैरी कर आ, कर सकते हैं इट सेंटरलैंड आर ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड इट मेनली हैंडल्स आयरन और ये इसकी स्पेशलिटी है बिकॉज ओडिशा में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन और यू नो मिलता है तो उन सब का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट परतवी पोर्ट से ही होता है हिंटरलैंडस याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है आप सिर्फ ये याद रखिए कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है और उस स्टेट के जितने भी आसपास के स्टेट्स होंगे और वो इट्सल्फ खुद स्टेट वो उस पोर्ट का हिंटरलैंड हो जाएगा फोर्थ पोर्ट अब हमारा डाउन टू साउथ इंडिया में आता है आंध्र प्रदेश का विशाखापटनम पोर्ट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है ये लैंड लॉक्ड हार्बर कनेक्टेड टू सी बाय चैनल जिस तरीके से कोलकाता पोर्ट भी आ, हमें 128 किलोमीटर किलोमीटर्स रिवर पर चलना पड़ता है तब वो आता है बिल्कुल कोस्ट पर नहीं है ठीक उसी तरह विशाखापट्टनम पोर्ट भी कॉस्ट पर नहीं है ये चारों तरफ से पोर्ट जो है यू नो ज़मीन से ही घिरा हुआ है इसके चारों तरफ लैंड ही है ये डायरेक्टली समुद्र पर नहीं है तो एक यू नो सी है जिसके थ्रू ये पोर्ट uh, समुद्र से कनेक्ट होता है यानी कि एक यू uh, नो you know, एक नहर टाइप बनाई गई है जिस पर बोट्स एंड शिप्स यू नो सी से चलकर कर इस पोर्ट तक आती हैं सो ये इंडिया का लैंड लॉकड हार्बर है जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है विशाखापट्टनम पोर्ट के हिंटरलैंड हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट है ये पेट्रोलियम आयरन और जनरल कार्गो जैसे कमोडिटीज़ को हैंडल करता है नेक्स्ट हमारा देन तमिलनाडु में फिफ्थ पोर्ट पड़ता है ईस्ट कोस्ट पर दैट इज चेन्नई पोर्ट और इसकी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसको यू you नो know, बनाया गया है ह्यूमंस द्वारा ये नेचुरली वहाँ पर ऐसी वहाँ कोई लोकेशन नहीं है कि उसको एज़ अ पोर्ट यूज़ किया जा सके सो इसको 1859 में बनाया गया था और ये सबसे ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का ये सुटेबल नहीं है लार्ज शिप्स के लिए बिकॉज़ कोस्ट के किनारे जो हमारे वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है इसकी वजह से बड़ी शिप्स इस पोर्ट पर नहीं आ सकती हैं तमिलनाडु एंड पुडुचेरी इस पोर्ट के मेन हिंटरलैंडस हैं और चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को क्योंकि ये भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है बहुत ज़्यादा बड़ी शहर है अमाउंट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर यू नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए अनदर सिटी जो तमिलनाडु में है दैट इज़ एनोर वहाँ पर भी एक पोर्ट डेवलप किया गया नाउ द लास्ट सिक्स पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड द ट्वेल्थ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ तुतिकोरन पोर्ट जो कि हमारे साउथ तमिलनाडु में लोकेटेड uh, है ये uh, चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए डेवलप किया गया ये वैरायटी ऑफ कार्गो ट्रैफिक से डील करता है यानी कि बहुत सारे टाइप्स की कमोडिटीज़ इस पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं जैसे कोल सॉल्ट फूड ग्रेन शुगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा सो ये हमारे ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन है विच इज़ वेरी ईजी हमें सिर्फ तीन पॉइंट्स इन पोर्ट्स के लिए याद करने हैं एक ये कहाँ पर लोकेटेड है दूसरा इसके हिंटरलैंड क्या हैं और तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर बताई गई है किसी में कहा गया है सिर्फ कि ये प्रेशर रिड्यूस करने के लिए डेवलप किया गया है किसी में कहा गया है कि ये मतलब किस टाइप के कमोडिटीज़ का यू नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया वहाँ से करती है कमोडिटीज़ के नेम्स हमें उसमें लिखने होंगे और हमारे ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाता है एक दो पोर्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है वो हमें याद करनी होगी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाइक मुंबई पोर्ट नेचुरल हार्बर है विशाखापट्टनम लैंड लॉक्ड है चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल है और कोलकाता पोर्ट पे सिल्ट एक्मलेशन की वजह से यू uh, नो you know, उसकी एडवांटेज लॉस हो रही है कोची को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं सो so, ये इंपॉर्टेंट कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इन पोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं सो नाउ द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज एयरपोर्ट्स हमने पढ़ा है इंडिया अपनी इंटरनेशनल ट्रेड वाटर एंड एयर दो रूट से करती है सो वाटर वेज से वो पोर्ट्स के थ्रू अपना इंटरनेशनल ट्रेड करती है जो 95 परसेंट से ज़्यादा है और एयर वेज के थ्रू भी इंडिया अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करती है सो so, एयरपोर्ट्स वो प्लेसेस होंगे जहाँ से इंडिया अपनी यू नो ट्रेड का कंटिन्यू करेगी सो so, एयरपोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है सो एयर ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और जो हैवी एंड बल्कि कमोडिटीज़ का ट्रेड होता है उसके लिए ये सुटेबल नहीं है इसलिए जो हमारा वाटर से इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया करती है वो ज़्यादा सुटेबल है और इसी की वजह से जो एयर ट्रांसपोर्ट का पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल ट्रेड में वो कम हो जाता है ओशनिक रूट्स के कंपैरिजन बिकॉज हैवी और बल्की मटेरियल्स को हम एयरप्लेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते ट्रेड उस, आ, उस आ, वे से हम नहीं कर सकते हैं सो देयर वर ट्वेंटी फाइव मेजर एयरपोर्ट्स फंक्शनिंग इन इंडिया इंडिया में ट्वेंटी फाइव ऐसे पोर्ट्स हैं विच आर द मेजर पोर्ट्स सॉरी एयरपोर्ट्स जहाँ से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड करती है बट एयरवेज के थ्रू ज्यादा पैसेंजर सर्विसेज ही इंडिया अपनी कैरड आउट करती है इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के न्यू डेली मुंबई कोलकाता चेन्नई अमृतसर अहमदाबाद हैदराबाद बेंगलोर एट्सट्रा और इस चैप्टर की मैप स्किल्स भी है ये फर्स्ट इज हमें ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स मार्क करने होंगे जिनका डिस्क्रिप्शन हमने अभी देखा और सेकंड इज एयरपोर्ट्स को भी हमें मैप में मार्क करना होगा और ये दोनों इस चैप्टर की मैप स्किल्स हैं और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन यहां पर हो जाता है कम्प्लीट सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वॉट एनसीआर क्वेश्चन आंसर्स एंड मैप स्किल्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स